अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं तो आज की जो वीडियो है ना ये सेल्फ केयर से रिलेटेड है तो हम बात करेंगे कि खवातीन जो घर में रहती हैं जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो किस तरह से अपनी थोड़ी सी ग्रूमिंग कर सकती हैं किन चीज़ों पर उन्हें तवज्जो देनी चाहिए किस तरह से वो अट्रैक्टिव लग सकती हैं प्रजेंटेबल लग सकती हैं तो स्किन केयर पर भी हम बात करेंगे डिटेल में क्योंकि स्किन जो है ना हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन है सबसे बड़ा ऑर्गन है तो इसकी केयर करना भी ज़रूरी है और इसके अलावा हम जो है ना ये भी बात जरूर करेंगे कि किस तरह से आप नेचुरली अपनी एज से कम लग सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यह है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें अपनी फिटनेस पे ध्यान दें अक्सर खातन इस तरफ तवज्जो नहीं देती हैं लेकिन ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए जिम जाएं, जिम जाके भी आपको अच्छा फील होगा दूसरों को देख के भी मोटिवेशन मिलती है आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं और जब आप प्रॉपरली वर्कआउट करते हैं ना तो आप अपनी फिटनेस की वजह से अपनी एज से भी कम नज़र आते हैं आपकी स्किन भी टाइट होती है वैसे तो बहुत सारे आर्टिफिशियल वेज हैं अपनी स्किन को और अपनी बॉडी को टोन करने के लिए लेकिन ये आप ही जानते हैं कि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो ये वर्कआउट जो है ना ये नेचुरल वे है यंग दिखने का अच्छा जो ख़्वीन घर पे रहती हैं और घर के कामों में बिज़ी रहती हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो हर वक्त काम करती रहती हैं तो यही उनकी एक्सरसाइज हो जाती है तो देखें घर के काम करना और बात है और वर्कआउट करना और बात है तो अगर आप जिम नहीं जा सकते ना जाएं घर पे वर्कआउट कर सकते हैं और कुछ नहीं तो वॉक ही कर सकते हैं घर पर करें घर के बाहर करें लेकिन करें ज़रूर अच्छा हम ख़्वीन के लिए ऑल टाइम हेयर फ्री रहना थोड़ा मुश्किल होता है तो कोई ना कोई ऐसी डिवाइस हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए जिससे हम जल्दी से अपने हेयर रिमूव कर सकें जैसे मेरे पास ये डिवाइस है इससे मैं अपर लिप्स पे कर लेती हूँ या फिर हैंड्स पे या इस तरह से जो हल्के से बाल होते हैं वो मैं रिमूव कर लेती हूँ और आई नो कि अभी बहुत सारे मैसेजेस शायद मुझे आएंगे कि इस्लाम में ये जायज़ नहीं है तो प्लीज़ आप कोई भी बात करने से पहले ना एक बार मेक श्योर sure ज़रूर करें कि आपके पास जो नॉलेज है इस्लाम से रिलेटेड इस बारे में वो सही है या नहीं जैसे परफ्यूम के बारे में तो मुझे अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं कि औरतों के लिए तो परफ्यूम लगाना जायज़ ही नहीं है तो प्लीज मेक श्योर कि आप सही वाला इस्लाम फॉलो कर रहे हैं बाकी सब ने खुद ही अपना जवाब देना है अल्लाह का और उस बंदे का मामला है हमें बस अपनी इसलाह करनी चाहिए और दूसरों के साथ जो है ना वो प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए क्योंकि वो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा अपने हकूक अल्लाह माफ़ कर देगा लेकिन बंदों का अगर हम दिल दुखाएंगे ना तो उसकी फिर माफ़ी नहीं है बस अल्लाह तला हमें इन सब गुनाहों से बचने की और सही से इस्लाम को फॉलो करने की तोफ़ी दे अब मैं आपके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन भी शेयर करती हूँ कुछ चीज़ें मैंने ऐड की थी अपनी रूटीन में तो ये भी ज़रूरी होता है कि आप अपनी एज के अकॉर्डिंग और वक्त के साथ साथ जो है ना अपनी चीज़ों को अपडेट करते रहें तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोमोशन का हिस्सा नहीं है मैंने खुद ही बाय की है और अभी तक मुझे इतना टाइम तो नहीं हुआ यूज़ करते हुए लेकिन जो भी रिव्यू है मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ दिन पहले मैंने न्यू प्रोडक्ट्स लिए थे स्किन केयर के लिए तो जल्दी से आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन दिखाती हूँ सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं आ, फेस वॉश करती हूँ आजकल कर ये स्क्रब यूज़ कर रही हूँ जो जेंटली स्किन को एक्सफोलिएट करता है और स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपके डेड स्किन सेल्स जो है ना वो रिमूव होते हैं उसके बाद मैं सीरम यूज़ करती हूँ जो कि कोलाजन बेस्ड है इसे भी यूज़ करते हुए कुछ ही दिन हुए अच्छा लगा है मुझे ये हमारी ये जैसे जैसे ज़्यादा होने लगती है ना तो हमारी स्किन में कॉलेजिन कम होने लगता यही है यही वजह है कि हमारी स्किन पे रिंकल्स आने लगते हैं और बहुत से ऐसे एजिंग स्पॉट्स वगैरह नज़र आते हैं तो मेक श्योर sure के ट्वेंटी फाइव ईयर्स के बाद आप कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करें जो आपको हेल्प करें और थर्टी के बाद तो मस्ट है क्योंकि अगर आप लेट हो जाएंगे तो फिर रिंकल्स आ जाएंगे आपके स्किन पर और फिर वो रिवर्स होना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो थर्टी के बाद तो मस्त है कि आप इस तरह के प्रोडक्ट जरूर अपनी स्किन के रूटीन में सनस्क्रीन लगाती हूँ जो कि लगानी मस्ट है चाहे आप घर में रहें या घर से बाहर जाएं लेकिन सनस्क्रीन आपने डेली लगानी है सुबह 10 से लेके 4 बजे तक हर दो घंटे के बाद ना सनस्क्रीन लाजमी आपने अप्लाई करनी है क्योंकि जितना हमारी स्किन को सन रेज डेमेज करती है न, उतना शायद ही कोई और चीज करती होगी आजकल वैसे इतना टाइम नहीं होता मेरे पास लेकिन दो मिनट सुबह और दो मिनट रात को मैं निकाल ही लेती हूँ अपने लिए अब मैं आपको अपनी नाइट टाइम की स्किन केयर रूटीन दिखाती हूँ तो रात को फ़ेस वॉश करने के बाद मैं सबसे पहले लगाती हूँ वाइटामिन सी का सीरम वो मैं सिर्फ वहीं लगाती हूँ जहाँ पे स्पॉट्स हैं और उसके बाद मैं आई क्रीम लगाती हूँ आई क्रीम भी लाजमी अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करें अगर आप थर्टी प्लस हैं वैसे तो ट्वेंटी फाइव के बाद भी ऐड कर सकते हैं लेकिन थर्टी के बाद तो फिर मस्ट है और कोई भी ब्रांड ले लें मैं ब्रांड्स पर जो है ना तोज्जो नहीं दे रही हूँ बिल्कुल भी क्योंकि हर किसी को डिफरेंट ब्रांड सूट करते हैं अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ठीक है तो बस ये मेक श्योर sure करें कि आप इस तरह के प्रोडक्ट्स ज़रूर यूज़ करें ये स्किन है क्रीम जो है ना मैं पाकिस्तान से लाई थी और ये जो है ना आपने बहुत केयरफुल होकर के यूज़ करना है क्योंकि इसको यूज़ करने का भी एक तरीका है जो इन डिटेल में कभी आपको बताऊंगी तो एक दिन मैं ये यूज़ करती हूँ और दूसरे दिन मैं विटामिन सी का सीरम यूज़ करती हूँ उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ फेस पे इसके अलावा मैं लिप मास्क लगाती हूँ रात को सोने से पहले लिप्स पे तो बस दो मिनट ही लगते हैं लेकिन यह कि आपको एक रूटीन बनानी पड़ती है अपनी तो अब मैं आपको एक प्यारा सा बैग दिखाती हूँ जो मुझे टेडी ब्लेक की तरफ से रिसीव हुआ था रिसेंटली इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है डिज़ाइनर बैग है तो जाहिर है इसकी वर्थ ही हो रहा है मैंने पहले भी इनका बैग यूज़ किया था और अभी भी यूज़ कर रही हूँ मैं बहुत अच्छा है यूज़ में और क्वालिटी जो है ना जैसे शुरू में थी अभी भी वैसे ही है ये नहीं कि ख़राब हो गया है इसमें जो लेदर यूज़ हुआ है वो इटली का है और डिज़ाइनर्स भी इटली के हैं तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है आप जब यूज़ करते हैं तो फिर आपको चीज़ का पता चलता है सही से बाकी देखने में आपको नज़र आ ही रहा होगा कितनी अच्छी क्वालिटी का है जब आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं ना तो आपको लग्जरियस सी फीलिंग्स आती हैं तो बाकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है आप इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी बहुत ज़्यादा अच्छे कलर्स भी हैं और वैरायटी भी है हर तरह के साइजेस अवेलेबल हैं इस दफ़ा ज़रा बड़े साइज़ का बैग लिए मैंने पहले मेरे पास छोटे साइज़ का था इसमें यह कि काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है तो आपकी चीज़ें सारी आ जाती हैं वरना छोटा बैग हो ना तो उसमें बस थोड़ी सी चीज़ें आती हैं और फिर जो है ना हमें मुश्किल होती है बाद में आजकल थेडी ब्लैक पे बहुत अच्छी सी से सेल भी चल रही है तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल सकता है आप लोग जरूर चेक कीजिएगा इनकी वेबसाइट और अपने लिए प्यारा सा बैग जो है ना आज ही ऑर्डर कर लें अगर आप चाहें तो एक अच्छा सा बैग प्यारे से कंफर्टेबल शूज़ और डिसेंट ड्रेसिंग ये तीन चीज़ें ना आपकी पर्सनालिटी पे आपके लुक्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं तो इन पे ज़रूर तवज्जो दिया करें जो वर्किंग वूमेन होती हैं वो तो ऑलरेडी अप टू डेट रहती हैं लेकिन हाउस वाइफ्स कभी कभी इतना बिजी हो जाती हैं अपने घर में बच्चों में कि इन चीज़ों की तरफ ना तवज्जो नहीं देती हैं तो ये सब बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है अपने ऊपर स्पेंड uh, किया करें अपने आप में ख़ुद इंटरेस्ट लिया करें मुझे कल एक मैसेज आया कि मेरे हस्बैंड जो है ना अब में इंटरेस्ट नहीं लेते शादी को पाँच साल हो गए हैं मेरे दो बच्चे हैं और शादी के बाद अब मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ अपने ध्यान नहीं रखती तो मेरे हस्बैंड ने अब मुझे दूसरी शादी की धमकी दे दी है और मैं बहुत परेशान हूँ तो वही बात है कि अपनी केयर किया करें अपने में खुद इंटरेस्ट लिया करें हस्बैंड का इंटरेस्ट लेना उतना ज़रूरी नहीं है जितना आपका ख़ुद का खुद में इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है अपनी हेल्थ का अपनी डाइट का खुद ही ख्याल रखा करें क्योंकि ये टाइम तो गुजर जाता है लेकिन जैसे ही फिर एज ज़्यादा होती है जब आप फोर्टी प्लस हो जाते हो तो फिर आपको याद आता है कि हमने तो अपना ख्याल नहीं रखा हमें तो ये ये बीमारियां हो गई हैं या फिर हमारी फिटनेस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है तो खुद अपना ख्याल रखें अच्छा हेल्थी फूड खाएँ खाना बनाते हुए ऑयल कम से कम डालें स्पाइसेस भी मुनासिब रखें घर का सिंपल बना हुआ खाना जो है ना वो बेस्ट होता है हमारी हेल्थ के लिए बाकी बाहर से खाने में चीज़ें अच्छी तो लगती हैं जंक फूड वग़ैरह फ्राइड स्टफ़ लेकिन बाद में हमें फिर पता चलता है कि ये ये चीज़ें खाने से हमें कितना नुकसान हो गया है तो फ्रूट्स अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें फ्रूट्स से भी पता है आपकी जो स्किन है ना बहुत फ्रेश और अच्छी रहती है और बहुत सारे ऐसे खाने हैं बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्हें खाने से हम अपनी एज से कम दिख सकते हैं जैसे बेरीज तो जितनी भी हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज हो गई ब्लूबेरीज रेसबेरीज़ ये सब आप अपनी डाइट में अगर शामिल रखते हैं तो आप अपनी एज से यंग दिखेंगे इसके अलावा हनी है कर्ड है अवकाडो है बॉर्न ब्रॉथ है टमेटोज़ हैं वाटर मेलन मैंगोज़ ये सब चीज़ें आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करें कभी कोई चीज़ खा लें कभी कोई चीज़ खा लें और नट्स हो गए ये भी आजकल जैसे सीज़न भी है तो वॉलट्स आलमंड ये चीज़ें ज़रूर खाया करें मैंने कुछ अरसा पहले ना इस बारे में थोड़ी रिसर्च की थी कि कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपको यंग रखने में हेल्प करते हैं तो कभी डिटेल में भी इस पर वीडियो बनाऊंगी अभी जो चीज़ें मेंशन की हैं वो आप ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें और डेली बेसिस पे कोई ना कोई ऐसी हेल्थी चीज़ें ज़रूर खाया करें बाकी फ्रूट्स तो जो भी सीजनल हो ना वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होते हैं तो वो खाया करें सैलेड का एक बॉल लिया करें और सिंपल और घर का बना हुआ खाना जो भी है ना वही खाया करें कभी कभी दिल करता है कोई अनहेल्थी चीज़ खाने को तो उसमें कोई हर्ज नहीं है वीक में बस एक ही चीट डे होना चाहिए बाकी आपकी डेली रूटीन में ना हेल्थी और इस तरह की चीज़ें ही होनी चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हों बाकी ये कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप देखने में भी अच्छे ही लगेंगे और फिट रहेंगे तो आगे आने वाला टाइम भी आसान होगा हमारे लिए मेरी अम्मी ना मुझे गाइड करती रहती हैं कि बेटा ये वाली जो एज है ना इसमें अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखा करो अच्छी चीज़ें खाया करो ताकि सेहत जो है ना वो ठीक रहे क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो फिर आपको एहसास होता है कि आपने अपना ख्याल नहीं रखा उस टाइम पे जब आपको रखना चाहिए था तो इस तरह से कोई आपको गाइड करता रहे तो आपको आसानी हो जाती है वरना हम तो वही बात है इतना बिजी हो जाते हैं अपने कामों में बच्चों में इन सब रूटीनस में कि हमें एहसास ही नहीं होता वक्त गुजरने का इस तरह के वीडियोस में इसीलिए ही बनाती हूँ कि आपको एक रिमाइंडर मिल जाए क्योंकि ये चीज़ें तो हम सबको पता ही हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या हमारे लिए बुरा है लेकिन वही बात है कि हम बिजी हो जाते ना तो भूल जाते हैं तो अच्छा रहता है कि इन चीज़ों को हम याद करें भी और दूसरों को भी करवाएँ तो बस यहाँ पे अब शाम का टाइम हो रहा था डिनर के लिए मैंने कुछ खास नहीं बनाया था तो जो शामी कबाब बना के रखे थे वही काम आ रहे हैं तो बर्गर मैं बनाती हूँ उस तरह से बहुत ही क्विकली बटर से इसको थोड़ा सा मैं जो है ना वो गर्म कर लेती हूँ टोस्ट करके फिर उसके बाद शामी कबाब इसमें लगा लेती हूँ और अंडा भी जो है ना ऑमलेट वो लगा लेती हूँ साथ में कैचअप और हरी चटनी होती है तो अच्छा लगता है खाने में और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पाँच मिनट में रेडी हो जाता है तो ये था जी आज का ब्लॉग आई होप कि आपको पसंद आया होगा अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे जल्दी से लाइक करें शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें अल्लाह